दीदी दीदी जल्दी चलो, मुच्छर माली आया। तैयारी तैयार, उस ससुरा मुच्छर माली यहाँ आ भी गया तो हमारा का बिगाड़ेगा, यहाँ उस ससुरे के बाप कहेगा। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, चलो चलो जल्दी भागो। तो तुम हो अभी तो एक ठाकुर साहब के पास लेके जाई और तुम्हारे होश ठिकाने लगाई। हाँ अरे चल चल, वो कौन ठाकुर के पास जाने का है, उसके होश हमने ठिकाने ना लगाई तो हमारा नाम भी गंगा नहीं। हाँ अरे चल, लक्ष्मी चाची का ख्याल ना होता ना तो एक ठाकुर के पास ही लेके जाता। अरे गंगा बिटिया, तू कब तक बच्ची की बच्ची बनी रहेगी? अरे अपनी नहीं तो कुछ हमारी इज्जत का तो ख्याल किया कर। अरे चाची तू भी काई मुच्छड़ की बात में आवत रही, अरे ये आम तो हम बच्चन लोगों ने जंगल माँ से इकट्ठा करी है। हाँ चाची, ये आम तो हम जंगल से इकट्ठा किए हैं। हाँ चाची, अरे लो भागो ऐसे, चलो चलो भागो ऐसे। आज तू बच गई, जिस दिन रंगे हाथों पकड़ूंगा ना उस दिन देखूंगा तुझे। अरे जा जा, क्या देख लेगा मुझे, देख लेगा मुझे। अरे बिटिया अब तुम छोटे ना ही रही, तुम्हारी सगाई हो चुकी है। अरे शहर में शंकर को पता चलेगा तो वो का सोचेगा? का सोचेगा, वो तो खुद ही एक चोर है चाची। हमरे अरे अरे अब कहाँ चली? यही तो तुमने बहुत बड़ी गलती की हरिया, अब हमें ये सब बताने से क्या फायदा? सरकार अगर तुम उस लड़की को सीधा पकड़कर यहाँ लाते तो हम उसे बाकायदा चूस कर ये बताते कि दूसरों के आम कैसे चूसे जाते हैं। राम राम ठाकुर साहब। आओ भाई पूरन, आओ आओ। अरे तुम जाओ। जी सरकार, पाए लगी। बैठो। क्या कहा मंत्री महोदय ने? हुजूर वो तो आपके मुरीद निकले, उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब से कहो गांव में स्कूल और अस्पताल खोलने का नाटक शुरू करो। स्कूल और अस्पताल, ऐसे अच्छे और नेक कामों से हमारा क्या ताल्लुक है? यूं इससे लाखों रुपया तो लोगों से इकट्ठा कर लेंगे और 1.5-2 करोड़ रुपया सरकार से मंजूर करवा लेंगे, जनता में नाम भी हो जाएगा और 1 करोड़ रुपया अंदर हो जाएगा। ये हुई ना बात, ये पट्टा मंत्री है लेकिन फिर भी काम का आदमी है, वो गांव तो आएगा ना? बिल्कुल, उन्होंने कहा है आप जलसे का आयोजन कीजिए, वो आ जाएंगे। तो फिर कल से ही तैयारी शुरू कर दो। मिनिस्टर साहब ने एक बात और भी कही है, बंबई में अंग्रेजी शराब तो रोज ही पीते हैं, ठाकुर से कहना गांव की कोई अच्छी ताड़ी ताड़ के रखे, उनका मतलब किसी कच्ची कली से था। अरे हम तो गांव की सारी कच्ची कलियां उस देवता के चरणों में डाल देंगे जो हमें 1 करोड़ रुपया दे रहा है, और फिर हमारे गांव में कच्ची कलियों की कमी थोड़ी है। गांव में ठाकुर स्कूल और अस्पताल बनवा रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं ठाकुर गांव के लिए। क्या खाक अच्छा कर रहा है, बिना मतलब के ठाकुर कोई अच्छा काम नहीं करी। ये लाल साड़ी वाली हसीना कौन है? ये अपनी लक्ष्मी चाची है ना, उसकी भतीजी गंगा है, गंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कल हरिया इसी की बात कर रहा था। आओ, इससे तो हमें आमों का हिसाब भी करना है। आओ। ये लड़की, तेरा ही नाम गंगा है क्या? भैया रे भैया, गांव के ठाकुर अगर इतना भी नहीं जानते, किस बेवकूफ ने तो के ठाकुर बना दिया। ए लड़की, ठाकुर साहब से तमीज से बात करो। जाने दो, पूरन कच्ची उम्र है। खैर, हरिया बता रहा था कि तुम्हें पके हुए आम चूसने का बहुत शौक है। अरे तोहार हरिया के तो सारे जहान के आम तोहरे बाकी दिखाई देते रही, उसमें हम का करी? घबराओ मत, मैं तो उल्टा हरिया से ये कहने वाला हूँ कि वो तुम्हें आम तोड़ने दिया करे। वो कौनो खुशी माँ? हमारी खुशी में। और फिर पके हुए आमों से हमारा क्या वास्ता, मैं तो कच्चे सख्त गद्दर आमों का बहुत शौकीन हूँ। कच्चे हो या पके, तोहार आम तोहरे पास रख, बड़ा आया आम देने वाला। वाह वाह वाह, पान का ये बीड़ा अगर मंत्री जी के मुंह में डाल दिया जाए तो हमारा काम तो जरूर हो जाएगा। लेकिन ये लड़की बहुत टेढ़ी खीर है, हाँ शंकर इसमें कड़ची घुमा दे तो बात बन सकती है। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, शंकर को शहर से बुलवा लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक भागती है ये छमिया। पर हम वहाँ का ना जी शंकर, तू कम से कम एक बार हमका पूछ तो लिया था, ऐसे ही जाके ठाकुर को हाँ कह दिया। पर ये तो सारे गांव की भलाई और धर्म का काम कर रहा है ना ठाकुर। शंकर जी। हाँ जी। तुम बहुत भोले हो। हा? अरे इमा भी उस ससुरे ठाकुर की कोई ना कोई चाल रही होगी, न जाने इस काम में कितना पैसा तिजोरी के अंदर कर लेगा। चलो ठीक है, इसी बहाने सही, लेकिन गांव वालों को स्कूल और अस्पताल तो मिल जाए ना। अरे पहली बार हमारे गांव में इतना बड़ा मिनिस्टर आ रहा है, ये सारे गांव की इज्जत का सवाल है, इसलिए तो गांव के सारे लड़के लड़कियां हमारा साथ दे रहे ना। अरे बाकी सबका ठाकुर की आंख में सूअर का बाल नहीं दिखाते,
जो हम देख सकते हैं। अब तो हम ठाकुर साहब को जवान दे चुका हूँ, अब तो ये हमारी इज्जत का सवाल है। अरे तुम्हारी इज्जत की खातिर ये गंगा इस गाँव में तो का सारे संसार में नाच सकते है। सच? अरे 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 ए पगली, ये मरोने की क्या बात है हा? अरे हम गांव छोड़ के जा रहे हैं, कोई दुनिया छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं। अब काम पे तो जाना ही पड़ेगा ना। तू हमरा के भी साथ क्यों नहीं ले जाते? अरे फिक्र कहे करत है, थोड़ा दिन की बात है, हम बॉम्बे में कोई छोटी सी अच्छी सी खोली देख ले, फिर तुझे ब्याह कर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। चल अब हंस दे हंस दे हंस दे अब हम चले। देख संभाल कर रहना। छोरी 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 गांव की छोरी, छोरा 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 शहर का छोरा। अरे ठाकुर उतर किधर डूब रहे हो, मारे गाने पर ध्यान दो। क्या बात है देवकी राय जी, लगता है गाना कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। अरे वो लौंडिया ने तो मारे को बीमार कर रखा है। हाय हाय क्या कली है, एक बार सोने को मिल जाए ना तो मैं अपना स्कूल और अस्पताल का सारा मुनाफा दे दूं। अरे तम कहो तो मिनिस्ट्री दे दूं। शंकर अब तो शहर चला ही गया है, अब तो उनका कल्याण कर दो। ठीक है चौधरी साहब, आपके लिए अब उसकी चाची से भी बात करते हैं। का बकत हो तुम, मुझे तो ओकर ठाकुर कहते भी शर्म आती है। अरे पैसन की खातिर ठाकुर से दलाल बन गवा। बकवास बंद कर बुढ़िया, हमें तो तुम्हारी गरीबी पर तरस आ रहा था, सोचा था मिनिस्टर के पास तुम्हें थोड़ी जमीन दिलवा देंगे, लेकिन तुम लोग तो वो घी निकले जिसे निकालने के लिए उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। अरे कहीं उंगली तुड़वाई मत लेना, तू भी चाची किसके मुँह लग रही है। वो हरामजादा ठाकुर ना उसकी बेटी रही ना बीवी है। अरे उसका बस चलता ना तो अपनी बेटी और बीवी दोनों को मिनिस्टर के साथ लिटवाई देता। अब देखता हूँ हरामजादे तुझे कौन बचाता है। अरे छोड़ उसको। अरे अरे अगर इसने जरा भी खिटपिट की तो इसकी खूबसूरत खाल खींचकर कुत्तों में डाल दूंगा। मेरी अपलम चपलम मंत्री जी। आजा। अरे लो हम काहे किटपिट करी, अब हमरा के क्या पता कि वो ससुरा तोहरी खातिर हमका यह लाई रहा है। और तुम जानती के तुम्हारे खातिर यहाँ लाई जा रही हो तो तुम के करती भाई जी? सर के बल दाढ़ी चली आती भाई जी, तुम तो बहुत बड़े नेता हो ना, इसलिए हर कुंवारी कन्या का ये फर्ज बने हैं कि आप जैसन की बाहों में आके गिरे। हाय 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 हाय, कितने शुद्ध विचार है, कितने शुद्ध विचार है, की बात पर एक जाम हो जाए। आप लो ना सरकार, हम पीते तो नहीं लेकिन क्या है ना, सॉरी बात टाल भी नहीं सकते। एक काम करो, ये हमका दे दो और तुम ये ससुरी बोटक गटक लो सीधा सीधा। यो बात है तो हो जाते कायम, ये लो। ना भाई, मारा तो पहले से बहुत काम बुरा हो रहा है। अरे ये काम जितना बुरा है ना भाई जी, उतना ही मजा आवे। तो ला ससुरी। तम तो मने तेड़ 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 दिखाई दे रही हो। तो फिर तेरा गंगा की लहरों में गोते खाने का वक्त आई गवा। तो उतारो ये सब जय शुरू। शुरू तो अब हो। क्या बात है ठाकुर साहब, अंदर बहुत उठा पटक चल रही है। बुढ़ापे और जवानी का मिलन है, थोड़ी बहुत उठा पटक तो होगी। हमारे लिए एक जाम और बनाओ। हम सदैव मिनिस्टर के बच्चे, आज हमने तो कहा गंगा जमुना सरस्वती का दर्शन कराई दिया। मार दिया छोरी, ये क्या है?
इतनी देर? मंत्री जी को इतनी देर तो नहीं लग सकती, जरूर कुछ गड़बड़ है, हम देखते हैं। अरे मार दिया रे। अरे अरे मार दिया रे। ये क्या मंत्री जी, आपकी दुकान का सारा सामान लूट गया? अरे भाई जी, अरे मार दिया रे। पूरन जी, उस हरामजादी को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। वो फिर यहाँ आएंगे गंगा। तोरा तोरा अब इस गांव में रहना ठीक नहीं, तो ऐसा कर तू बंबई शंकर के पास चली जा। हाँ हाँ जी, शायद तू ठीक कह रही है, मैं शंकर के पास चली जाती हूँ। क्या भक्ते हो, उस लौंडिया को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? हमने तो गांव का कोना कोना छान लिया, गंगा का कहीं पता नहीं चला। तुमने शंकर की माँ का घर देखा है? हाँ ठाकुर, वो वहाँ भी नहीं है। मुझे शक है कि वो शंकर के पास बंबई भाग गई। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तो मजा आ गया भाई जी, यह मछली तारे गांव की नदी से तैरती तैरती मारे शहर के समंदर में आई गई है, तो फिर मारे जाल में फंसेगी फंसेगी। हम उसे कहीं ना कहीं से ढूंढे निकालेंगे। ढूंढने की जरूरत क्या है, वो बंबई जिसके पास पहुंची है ना, वो शंकर चोपड़ा साहब की फैक्ट्री में काम करता है। अरे ये तो और भी अच्छा हो गया। अरे वो समंदर में नहीं, मारे आंगन में उतर गई है, और हम बदला लेंगे। पर अकेले नहीं भाई जी, अकेले नहीं, थारे को भी बुलावेंगे बंबई।